तो व्याकरण में जो है जो जो प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है आप सभी परीक्षार्थियों से, तो ये एक संकलन है कि जो है वह शिक्षा शास्त्री में व्याकरण विषय में जो है वह कौन कौन से प्रश्न आए। पहला प्रश्न है अनभिहिते कर्तरि का विभक्ति। तो अनभिहिते कर्तरि का विभक्ति, सबसे पहले आप हम लोग का संस्कार ये है कि कर्ता में प्रथमा विभक्ति का विधान होता है। हम लोग यही मानते हैं कि कर्ता में प्रथमा विभक्ति का विधान होता है, जबकि ऐसा कोई भी सूत्र प्रथमा करने वाला जो है वह नहीं है जो कि कर्ता अर्थ में प्रथमा का विधान करे। उदाहरण के रूप में प्रथमा करने वाला जो सूत्र है वो है प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्र प्रथमा। दूसरा सूत्र संबोधने च है, तो प्रातिपदिकार्थ आदि अर्थों में और संबोधन अर्थों में प्रथमा का विधान होता है, कहीं पर भी कर्ता अर्थ में प्रथमा का विधान नहीं होता है। तो जो है वह कर्ता अर्थ में फिर कौन प्रत्यय होता है, तो ये ध्यान में हमें रखना चाहिए कि यदि को कर्ता क्या जितने भी कारक हैं यदि वो सारे के सारे कारक अविहित हो जाते हैं, कर्ता आदि जितने भी कारक हैं वो यदि अविहित हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं, अभी अविहित हो जाते हैं, तो वह प्रातिपदिकार्थ कहलाता है, उसको प्रातिपदिकार्थ की कोटि में और माना जाता है। और प्रातिपदिकार्थ में जो है वो प्रथमा विभक्ति का विधान प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा सूत्र से होता है, इसीलिए अभिहित करता है तो वो प्रातिपदिकार्थ माना जाएगा और उसमें प्रथमा विभक्ति। इसीलिए सूत्र करने और प्रश्न करने वाला हमसे पूछ रहा है अनभिहित। अनभिहित का मतलब हुआ अनुक्त, तो इसका मतलब हुआ अनुक्त कर्ता में कौन सी विभक्ति होती है, और इसके लिए हमारा सूत्र है कर्तृकरणयोस् तृतीया। कर्तृकरणयोस् तृतीया जो कि अनभिहित कर्ता और करण, अनभिहित कर्ता क्योंकि अनभिहित का अधिकार चलता है जो भी कारक जितने भी कारक हैं वह अनभिहित हैं तभी जाकर के उसमें तब तक विभक्तियों का विधान होता है। यदि कर्तृ कारक अनभिहित है तो उससे तृतीया, करण कारक यदि अनभिहित है तो तृतीया, उसी प्रकार अनभिहित संप्रदान में चतुर्थी, अनभिहित अपादान में पंचमी, अनभिहित अधिकरण में सप्तमी इत्यादि विभक्तियों का विधान होता है। तो स्पष्ट है अनभिहित का जो कर्ता है उसमें तृतीया का विधान होगा, अतः तृतीया यह उत्तर जो है वह सही है। दूसरा प्रश्न जो है हम देखते हैं वह है अध्ययनेन वसति। अध्ययनेन वसति दूसरा जो है हमारा है अध्ययनेन वसति। वस्तुतः इसका जो है यहां पर पूछा जा रहा है इत्यत्र हाँ केन सूत्रेण तृतीया। स्पष्ट है अध्ययनेन में तृतीया विभक्ति है और वह किस सूत्र से है ये प्रश्न जो है वो पूछा जा रहा है। तो अध्ययनेन वसति का अर्थ होता है अध्ययन हेतुको वासः, मतलब अध्ययन जो है वह हेतु है रहने का। यदि कोई यहाँ पर मोतिहारी में रहे तो उसका प्रयोजन अध्ययन है, अतः यहाँ पर हेतु एक सूत्र है, इस हेतु सूत्र से जो है वह तृतीया विभक्ति का विधान जो है वह हुआ है और अध्ययनेन वसति। ठीक है, तो ये हो जाएगा हेतु सूत्र से जो है वो तृतीया विभक्ति का विधान हुआ है। फिर कारक प्रकरण से ही जो है वो अगला प्रश्न है वह है कि समया योगे का विभक्ति। तो एक बहुत ही अविदः परितः समया निक्षाहा प्रतियोगे भी,
है ना। इससे सिद्धांत कौम ये सामान्य वचन है एक, लेकिन सिद्धांत कौम ये है वो सर्वत शोभ कार्या निगुपरिया दिशु त्रिशु। इसी प्रकरण में ये भी जो है वो इसी ये वार्तिक है ये श्लोक है उसके नीचे अभितः परितः शमया निक्षाहा प्रतियोगी। ये निकट के अर्थ नजदीक अर्थ को बतलाने वाला अव्यय है और इसमें द्वितीय विभक्ति का विधान जो है वो होता है। तो ये अत्यंत सरल प्रश्न हुआ। उसके बाद जो है वह है गोपाल राम दुग्धि पया, गोपाल राम दुग्धि पया। तो चलिए तो हमारा जो है वो है एक है कि देवदत्ता, ठीक है, देवदत्ता अतिष्ठति। क्या है? देवदत्ता अतिष्ठति, तिष्ठति, ठीक है। तो देवदत्ता तिष्ठति इस वाक्य में ये इसमें मुख्य धातु कौन सा है? तिष्ठति किस धातु का रूप है? स्था धातु का। और स्था धातु सकर्मक है या अकर्मक है? अकर्मक है, बिल्कुल सही। स्था धातु जो है आप एक कारिका भी पढ़े होंगे, लज्जा सत्ता स्थिति जागरणम है कि नहीं। तो जो है स्था धातु जो है वो अकर्मक है और अकर्मक धातु से दो ही स्थिति में लकार आएगा, एक जो है वो कर्ता अर्थ में और दूसरा जो है वो भाव अर्थ में। मतलब इसका कर्तृवाच्य संभव है और दूसरा जो है वो भाववाच्य संभव है। तो कर्तृवाच्य में तो आपका ये वाक्य है ही, इसको हम किस में ले जाएंगे? भाव में। किसमें ले जाएंगे? भाव। और भाववाच्य का नियम क्या है? कर्ता में कौन सी विभक्ति हो जाती है? तृतीय विभक्ति हो जाती है। तो क्या हो जाएगा? देव दत्तेन। और तिष्ठति में का रूप कैसे चलेगा? तिष्ठति का रूप चलेगा, इसमें मूल धातु क्या है? चूंकि भाववाच्य में आत्मनेपद होता है तो मूल धातु ही रहेगा स्था, समझे, और फिर उससे यक प्रत्यय होगा और इधर और यहाँ अस्था में आको इत हो, ई हो जाएगा बड़ा ई और वाक वाक हो जाएगा देव दत्ते नीयते, देव दत्ते नीयते, देव दत्त तिष्ठति, इसका भाव वाच्य हो जाएगा देव दत्ते नीयते। ये प्रश्न हो गया। एक प्रश्न है गोपाल गाम दोग्धिपयः, ठीक है, गोपाल गाम दोग्धिपयः, ठीक। देखिए गोपाल गाम दोग्धि पयः। अब ये जो है अब आप इसको समझिए, इसमें इत्यत्र अप्रधान कर्म। अब यहां पर जो है अप्रधान कर्म, तो अप्रधान है तो निश्चित कोई ना कोई क्या होगा? प्रधान होगा, तभी तो अप्रधान है, ठीक है। अब ये प्रधान कर्म और अप्रधान कर्म क्या होता है? तो सिंपल सा आप साधारण शब्दों में समझे तो कर्म का संज्ञा करने वाला हमारा सबसे प्रमुख सूत्र क्या है? कर्तुरीप्सिततमं कर्म, कर्तुरीप्सिततमं कर्म, ये सूत्र है आपका, ठीक है। इस सूत्र के द्वारा जिसकी कर्म संज्ञा होती है वो कौन सा कर्म होता है? प्रधान कर्म है। उसी तरीके से एक अप्रधान कर्म करने वाला सूत्र हमने पढ़ा था, अकथितं च, अकथित, ठीक है। कथित मतलब कि जो कारक जिस रूप में है उसको उसी रूप में कहना, यदि कोई अपादान कारक है तो उसको अपादान के रूप में करना ये कथित है और उससे भिन्न अकथित हो गया। तो यहां पर ग्राम दोग्धि पयः में जो जो दोग्धि क्रिया है उस दोग्धि क्रिया के माध्यम के द्वारा कर्ता का ईप्सिततम पदार्थ क्या है? आप क्या दुहना चाहते हैं? दूध ना है कि नहीं? दोग्धि मतलब होता है दुहना। क्या दुहना चाहते हैं? गाय को तो नहीं दुहना चाहते, गाय से दुहना चाहते हैं।
लेकिन किसको दूहना चाहते हैं? तो वह है दुग्ध को दूहना चाहते हैं। इसलिए जो है वह कर्ता का ईप्सित तम पदार्थ है पयः। अतः पयः की जो कर्म संज्ञा, पयः में द्वितीय विभक्ति है, ये भ्रम मत पालिएगा, क्योंकि पयः शब्द पयः पयशी पयांसी, पयः पयशी पयांसी, इस तरीके से प्रथमा द्वितीय दोनों विभक्ति में रूप समान चलता है। अतः यह द्वितीय विभक्ति का जो है वह रूप है, समझे? तो पयः जो है आपका मुख्य कर्म है, क्योंकि इसकी कर्म संज्ञा हम कर्तुरीप्सित तवम कर्म सूत्र से करते हैं, ठीक है। अब आया कि जो है वह होना क्या चाहिए, कि चूंकि गाय से जो है वह दुग्ध का एक तरह से वियोग होना चाहिए, हो रहा है, तो अलगाव हो रहा है, अतः गाय की अपादान संज्ञा होनी चाहिए। कौन सी संज्ञा होनी चाहिए? अपादान। अपादान। लेकिन एक सूत्र अकथितं च यह आपको अनुमति देता है कि अभी जो कारक अपादानादि जो कारक है उनको अपादानादि के रूप में कहने की आपकी इच्छा नहीं है, तो उसकी आप कौन सी संज्ञा कर सकते हैं? कर्म संज्ञा कर सकते हैं। लेकिन यह जो कर्म संज्ञा होगी तो द्वितीय विभक्ति का विधान होगा, लेकिन यह जो कर्म होगा वह कौन सा कर्म होगा? अप्रधान कर्म होगा। कौन सा कर्म होगा? अप्रधान, क्योंकि प्रधान कर्म तो जो है वह दुग्ध है ना। अतः या फिर गौण कर्म भी कहते हैं इसको, अप्रधान मतलब ही होता है गौण, ठीक है, गौण कर्म भी कह सकते। प्रश्न पूछा गया गोपाल गाम दुग्धिपयः में अप्रधान कर्म कौन सा है, तो उत्तर हो जाएगा गाम। अगला प्रश्न है कानीनः इत्यस्य इत्यत्र विग्रहवाक्यम्, इत्यस्य ठीक है विग्रहवाक्यम्, पूछ रहा है कि कानीनः का आप विग्रह वाक्य क्या है, वाक्यम किम, ठीक है। कानीनः एक सूत्र ही है, कन्याया कनीन च, क्या सूत्र है? कन्याया कनीन च। तो कन्या कानीन किसको कहते हैं? तो कानीन कौन कौन है? कानीनो पुस्तक की पंक्ति है, व्यास व्यासो कर्णश्च व्यास और कर्ण, कानीन उसको कहते हैं, समझे? पता है किसको कहते हैं कानीन? कन्याया अपत्यम, जिस कन्या के पुत्र को, मतलब विवाह से पूर्व यदि कोई स्त्री गर्भिणी हो जाए और पुत्र को जन्म दे तो वो कहलाते हैं कानीन। ये गाली भी है, समझे? हाँ, इसको इसका विग्रह है कन्याया, ठीक है, अपत्यम अपत्यम, हाँ पुमान, ठीक है, कन्याया अपत्यम पुमान, कन्या के, ठीक है, कन्या विवाहिता स्त्री नहीं, वह विवाहिता से पहले, विवाह से पूर्व ही यदि किसी कन्या के गर्भ से किसी का जन्म होता है तो वो कानीन कहलाते हैं। कौन कौन कन्या है? कर्ण और व्यास, क्योंकि इन दोनों की उत्पत्ति विवाह से पूर्व ही कन्या के गर्भ से हुआ है, ठीक है। तो विग्रह क्या हो जाएगा? कन्याया अपत्यम पुमान, नहीं, गंधर्व विधि से शकुंतला का विवाह हुआ है, ठीक है। शकुंतला जो हुई थी विश्वामित्र मेनका से, हाँ, तो वो हो सकता है, नहीं, लेकिन वहां पर तो अप्सराओं की अलग कहानी है ना, ठीक है वो नहीं है। तो ये आपको इसमें क्या होता है, कन्या शब्द के स्थान पर जो है वो कनीन आदेश हो जाता है, क्या हो जाता है? कनीन। और फिर इससे अण प्रत्यय भी होता है, अण भी होता है और कन्या के स्थान पर कनीन आदेश हो जाता है, अण में णकार की संज्ञा कर देते हैं, औ बचता है, आदि स्वर क में औ को वृद्धि, हाँ, और तो और फिर भसंज्ञा अकार लोप, ये अण वाला औ मिल जाएगा तो बन जाएगा कानीनः, ठीक है। तो आपसे प्रश्न पूछा है
कानीना इत्यस्य विग्रह वाक्यम तो कन्यायापत्यम पुमान ठीक है कानीना ये हो जाएगा। एक सूत्र है एक प्रश्न है आख्यातोप योगी के बारे में समझे आख्यातोप योगी उसमें पूछ रहा है कि उपयोग किसको कहते हैं आख्यातोप योगे में उपयोग किसको कहते हैं ठीक है उपयोग पदार्थ का है ये प्रश्न पूछा है तो सूत्र है पंचमी के प्रकरण में आपको ये सूत्र मिलेगा तो सूत्र का अर्थ होता है कि इसमें इसको यदि सूत्र को तोड़े तो ये सूत्र दो भागों में बटेगा एक है आख्याता क्या है आख्याता और फिर है उपयोगे क्या है उपयोगे उपयोग शब्द का उपयोगे आख्याता अपादानम भवति उपयोग में आख्याता अर्थात व्याख्याता आख्यान करने वाले को आख्याता कहते हैं तो उपयोग में जो आख्याता है उसकी कौन सी संज्ञा होती है अपादान अपादान रूप अपादान अपादान संज्ञा होती है ठीक है लेकिन उपयोग किसको कहते हैं आख्याता को तो समझ गया आख्यान करने वाले उपयोग का अर्थ होता है नियम पूर्वक समझे इसमें लिया पंक्ति ही है नियम पूर्वक विद्या स्वीकार समझे विद्या स्वीकार उपयोग नियम पूर्वक विद्या को ग्रहण करना ही उपयोग है ना उपयोग नियम नहीं ये जो नियम पूर्वक विद्या को ग्रहण करने की क्रिया है वही उपयोग और उस उपयोग में जहां नियम पूर्वक विद्या को ग्रहण किया जा रहा हो उसमें जो आख्याता होगा क्योंकि विद्या का ग्रहण तभी होगा ना जो एक सुनने वाला होगा एक ग्रहण करने वाला होगा और एक बोलने वाला होगा है ना तो जो बोलने वाला होगा उसकी अपादान संज्ञा होगी आपसे पूछा है कि उपयोग का क्या अर्थ है तो उपयोग का अर्थ है नियम पूर्वक विद्या का स्वीकार ठीक है विद्या को ग्रहण आख्याता कहते व्याख्यान करना आख्याता अस्ति आख्याता मतलब व्याख्यान व्याख्यान करने आख्यान करने वाला अत्र त्रिच प्रत्यय अस्ति हाँ यथा कर्ता भवति तथैव आख्याता आम उपसर्ग अस्ति ख्या धातु अस्ति तस्मात् त्रिच प्रत्यय तस्य प्रथमा एक प्रथमैक वचने इदम रूपम आख्याता इति अस्ति तत्र भेदः तत्र तत्र विशिष्टः यः आख्यानं करोति विशिष्टाख्यानं यत् करोति सः व्याख्या ना होती सामान्य रूपेण आख्यानं यत् करोति सः आख्याता भवति इति उपसर्ग भेदेन अर्थ भेदः परिकल्पनीयः न नियम पूर्वक विद्या जहां पर स्वीकार किया जा रहा हो वहां पर जो बोलने वाला है वो आख्याता है हाँ इसीलिए अस्य उदाहरणम किम उपाध्यायात अधीते हाँ उपाध्यायात व्याकरणम अधीते तो अत्र व्याकरणम अधीते अत्र तो हाँ उपाध्यायस्य अपादान संज्ञा अस्ति अतः पंचमी अस्ति हाँ उपाध्यायात इति तभी अत्र पंचमी अस्ति इति बोधनी उपा बोलने वाला मैत्रेण ग्रामः गम्यते इत्यस्य कर्तरि प्रयोगे वाक्यम् अपरः प्रश्नः अस्ति मैत्रेण ग्रामः गम्यते मैत्रेण ग्रामः गम्यते तो अत्र ग्राम गम्यते अत्र कर्तरी तृतीया अस्ति हाँ मैत्रेण पुनः ग्राम इत्यत्र प्रथमा अग्रामानुसारेणे एव क्रियापदम गम्यते तो ये कर्मवाची का वाक्य है इसको कर्तृवाच में ले जाना है तो जैसे कर्मवाच में कर्ता न तृतीया है तो उसमें क्या हो जाएगा
प्रथमा तो हो जाएगा मैत्र, और ग्राम में प्रथमा है तो इसमें हो जाएगा द्वितीय, तो ग्रामम। ठीक है, यहाँ आत्मने पद है तो गम धातु का परस्मै पद का रूप चलेगा तो गच्छति, क्या हो जाएगा गच्छति, मैत्र ग्रामम गच्छति, यह रूप जो है वह हाँ हो जाएगा। उसके बाद कुछ पूछा है पति शब्दस्य चतुर्थी वचने किम रूपम। अब पति शब्दस्य चतुर्थी वचने, आपको ये बस इतना ही ध्यान रखना है कि घी संज्ञा इकारांत शब्दों की आप होती है, हर्ष इकारांत हर्ष उकारांत शब्दों की घी संज्ञा होती है, लेकिन घी संज्ञा करने वाला सूत्र है शेषोभ्य सकी, और उसी सूत्र से जो है वो पति शब्द की भी घी संज्ञा प्राप्त होती है ना, पति शब्दस्यापि सख्यु शेषोभ्य सकी इत्यनेन घी संज्ञा प्राप्यते प्राप्नोति। किंतु एकम तत्र नियम सूत्रम अस्ति, तत् सूत्रम कथयति पति समास एव, पति ही समास एव अर्थात समासे एव, पति शब्दस्य घी संज्ञा भवति किंतु कुत्र समासे एव, केवलम यदि पति शब्द अस्ति तभी समास तो कम से कम दो पदों में होता है, अकेला पति शब्द की तो घी संज्ञा होगी नहीं, समास तो अकेला पति शब्द का होगा नहीं, तो इसीलिए अकेला पति शब्द की घी संज्ञा, पति शब्द जब भी समास के अंदर हो, और समास तो दो पदों में हो, जैसे हम कर दें गृहस्य पति तब हो जाएगा गृहपति, षष्ठी तत्पुरुष समास हुआ है कि नहीं गृहपति, अब इसकी घी संज्ञा होगी गृहपति की, लेकिन केवल पति शब्द की नहीं होगी, तो घी संज्ञा यदि नहीं होगा तो घी संज्ञा प्रयुक्त जो लाभ है वो भी पति शब्द को केवल पति शब्द को नहीं मिलेगा, तो इसी कारण से जब हम पति शब्द से चतुर्थी एक वचन में, क्योंकि चतुर्थी एक वचन का ही रूप पूछा है, ने लाएंगे ने में अनुबंध लोप करने के बाद ए बचेगा, तो पति ए इस स्थिति में जो है वह आपको क्या होगा तो घी संज्ञा का कोई लाभ नहीं मिलेगा, सीधे यणादेश हो करके जो है वो पति रूप बन जाएगा हमारा, और यही गृहपति शब्द या सभापति शब्द है तो चूंकि इसकी घी संज्ञा होगी तो यहाँ पर यह जो है घेर नीति से गुण हो करके सभापति, हाँ यहाँ सभापति और ए होगा तब यहाँ आयादि करके सभापतये बनेगा, पति शब्द का सभापतये, लेकिन यदि समास में पति शब्द होगा तब उसका केवल पति शब्द का पत्ये, और समास यदि किया हुआ है तो सभापतये गणपतये राष्ट्रपतये इत्यादि रूप बने। अगला प्रश्न जो है वो है लक्ष्मी छाया, और व्यंजन संधि में आप लोगों ने पढ़ा होगा लक्ष्मी छाया जी, लक्ष्मी छाया इत्यत्र तुगागम केन सूत्रेन, तो एक सूत्र है छेच, आपने पढ़ा होगा छेच सूत्र है छेच, ठीक है, तो ये सूत्र कहता है कि छेच सूत्र का जो है वो अर्थ होता है यदि छ पर में हो, ठीक है छ पर में हो छा तो हरस्व को तुम का आगम होता है, हरस्व को होता है, यहाँ पर जैसे इसका उदाहरण है शिव छाया, शिव धन छाया है तो हरस्व को तुम का आगम होगा छ परे रहते हैं, लेकिन हमारा लक्ष्मी छाया में जब हम इसको तोड़ते हैं तो हमें लक्ष्मी धन छाया ये लिखना पड़ेगा, यहाँ छेच हरस्व को तुक्का करता है, यहाँ हरस्व है नहीं, अतः हमें इसके लिए अग्रिम सूत्र जो है वो है पदांताद्वा, ठीक है वो सूत्र क्या है पदांताद्वा, पदांत
पदांताद्वा, मतलब जो काम छेचो से होता था तुकागम वही काम वा मतलब विकल्प से होगा। कब? जब पद के अंत में कोई दीर्घ वर्ण हो, पद के अंत में दीर्घ वर्ण हो तो समास करेंगे लक्ष्म्यां छाया। तो यहां समास करने के बाद लक्ष्मी जो है हमारा पद है, पद लक्ष्मी, और उसके अंत में जो दीर्घ ई है वो पदांत दीर्घ वर्ण है, अतः उसके बाद छ रहने पर तुक का जो है वो आगम हो जाएगा। और तुक का आगम होगा चूंकि दीर्घ वर्ण को होगा तो इसके बाद में त बैठेगा और फिर स्तोष चुनाशु से त को च हो जाएगा तो बन जाएगा लक्ष्मी छाया। प्रश्न है कि किस सूत्र से तुक का आगम होगा, तो शिवद छाया में छेचो से होगा लेकिन प्रश्न लक्ष्मी छाया में है तो सूत्र उत्तर होगा पदांतात् वा, इसी सूत्र से जो है वो तुक का आगम हो जो है वो होगा। एक प्रश्न जो और है वो है कि देवायांति, देवा देवायांति है ना, या इत्यत्र विसर्जनीयस्य लोपः केन सूत्रेण, यहां पर विसर्ग का लोप किस सूत्र से हुआ है? तो देखिए वस्तुतः है देवास है ना, देवाह और देवा को देवास कर लेंगे, यांति ऐसा हो जाएगा ठीक है। और उसके बाद ससजुषु रू से स को रू होगा, रू को रेफ होगा और रेफ को जो है वो भू भगो अघो अपूर्वस्य योसी से य हो जाएगा और देवा य और फिर यांति होगा, इस स्थिति में हली शर्वे साम से य का लोप हो जाएगा तो देवा यांति उत्तर हो जाएगा हली सर्वेशा ठीक है। तो ये जो है एक प्रश्न जो है वो आपका हुआ। उसके बाद जो है वह एक सूत्र प्रयोग है केशाकेशी ठीक है। केशाकेशी पूछा है कि केशाकेशी इत्यत्र कः समासः, केशाकेशी इत्यत्र कः समासः, तो केशेषु केशेषु गृहीत्वा इदं युद्धं प्रवृत्तम्। एक दूसरे का झोटा पकड़ ले, गांव घर में जो औरतों में लड़ाई होती है दूसरा पहले का झोटा पकड़ ले और झोटियाते रहे, इसी ऐसे युद्ध को कहते हैं केशाकेशी। और इस यहाँ पर जो है आपका बहुव्रीही समास जो है वह है, नहीं बहुव्रीही समास है, ये बहुव्रीही समास के अंदर जो है वो आता है। तो जो है वह ये जो है वह आपका हो गया ठीक है।